सो हेलो गाइस, आ चुके हैं एक और न्यू BGMI की वीडियो के साथ। और गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ भाई एक GFX टूल के बारे में, जो कि भाई एकदम ब्रिलियंट ऐप है। भाई इसको मैंने खुद भी यूज़ करा और भाई मैंने इसके खुद देखा तो भाई एकदम बेस्ट हो चुके थे मेरी ग्राफिक्स प्लस FPS। और गाइस, यही एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और गाइस, इस GFX टूल को मैंने प्ले स्टोर पर भी सर्च करा था और भाई इसके रिव्यूज़ बहुत ही अच्छे आ रहे थे, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। और गाइस, ये वीडियो एकदम 100% प्रूफ के साथ मैं आपको देने वाला हूँ। और गाइस, आपका ये नहीं होता फिक्स तो आप मेरे चैनल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि गाइस ये एकदम 100% रियल ट्रिक है। और गाइस, सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, आप वीडियो को पूरा देखना। और गाइस, इस वीडियो में आपको प्रूफ भी दूंगा। सबसे पहले गाइस मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ। तो गाइस, अभी टाइम कितना हो रहा है पहले देखते हैं। भाई 3:49 हो रहे हैं। और गाइस, मैं आपको अपनी सेटिंग दिखाऊँ तो इसमें भाई मेरे ग्राफिक एकदम बहुत ही बेकार है। और गाइज़, ये HD तक भी नहीं पहुँचते। और गाइज, आप देख ही रहे होगे यहाँ पे थोड़े थोड़े फटे फटे से भी आ रहे हैं भाई, तो इसको मैं एकदम बेस्ट कर दूंगा। तो चलिए गाइज, बिना किसी बकचोदी के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, हम आ चुके हैं अपनी होम स्क्रीन पे। और जैसे ही गाइज़ मैंने आपको बताया था कि हम इसे स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं, इसलिए गाइज़ मैंने इसे पहले ही डिलीट मार दिया था इस GFX टूल को, ताकि मैं गाइज़ आपके सामने डाउनलोड करूँ और इसके जब इंस्टॉल होने के बाद कैसे कैसे रुकावटें आती है वो मैं आपको बता पाऊँ। तो गाइज़, सबसे पहले हम प्ले स्टोर पर जाते हैं। वैसे इस ऐप का लिंक मैं आपको गाइज़ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और गाइज़, यहाँ पर GFX सर्च करके यहाँ पर एक टूल आएगा गाइज़, आपको दिख रहा होगा। और इसकी भाई साहब एकदम रिव्यूज़ भी बहुत ही अच्छे हैं और मिलियन डाउनलोड्स भी बहुत है। तो गाइज़, हम इसको इंस्टॉल करेंगे। और गाइज़, ये हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। गाइज़, आप ऊपर टाइम भी देख सकते हो, 3:51 हो रहे हैं। अब गाइज़, यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ गाइज़, सबसे पहले ये इंटरफेस आते हैं, इसको हम सबसे पहले अलाउ करेंगे। और गाइज़, ये सब चीज़ें आपको दिखाएगा। तो गाइस, में ज़रूरी नहीं कि आप BGMI को ही ठीक कर सकते हो। और गाइस, में और भी बहुत सारे गेम्स हैं, जैसे कि PUBG KR, PUBG ग्लोबल, जो आपको गाइस ऊपर दिख रहे होंगे सिलेक्ट वर्जन के हिसाब से। और गाइस, इसमें आप डॉलर भी डोनेट कर सकते हो, वो डोनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रिव्यू भी दे सकते हो, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे आपका काम ऐसे ही चल जाएगा। तो गाइस, हमें करना है इसमें ठीक BGMI का। तो गाइस, मैं सबसे पहले BGMI पे क्लिक करता हूँ सिलेक्ट वर्जन में। और यहाँ पे गाइस एक ऐड चलने लगेगा, इस ऐड को कट करेंगे। और गाइज, यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें आ रही है कि आप कैसा करना चाहते हो अपने BGMI गेम को। तो गाइज, सबसे पहले रेजोल्यूशन जो है वो मैं इसमें आप कितना भी कर सकते हो, लेकिन गाइज आपके फ़ोन के हिसाब से, अगर आपका 2 GB रैम का फ़ोन है तो आप गाइज इसमें 9060 कर सकते हो। लेकिन गाइज, अगर आपका 3 GB का रैम है तो गाइज इसमें आप 1024 कर सकते हो। लेकिन गाइज, अगर आपका 4 GB का रैम है तो आप इसमें 366 भी कर सकते हो। तो गाइज, 3 GB रैम के साथ आप गाइज 1280 भी कर सकते हो। मेरा गाइज 3 GB रैम का फ़ोन है और मैं इसमें 1280 HD लगाता हूँ। गाइज, ग्राफिक मैं इसके स्मूथ ही रख लेता हूँ, क्योंकि गाइज ग्राफिक्स का मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस अपने FPS बढ़ाने हैं। तो गाइज, FPS में इसको मैं 60 FPS कर देता हूँ, क्योंकि गाइज अगर आप 90 FPS करोगे तो गाइज वो पूरा क्लियर नहीं है कि वो सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, तो यहाँ गाइज बहुत सारी चीज़ें हैं। गाइज, आपका स्टाइल यहाँ पे कलरफुल कर लेते हैं, क्लासिक इतना खास नहीं लगता। वो गाइज, ये रेंडरिंग क्वालिटी है, जो गाइज आपका रेंडर नहीं हो जाता शेडो में, तो वो सब क्वालिटी मैं इसकी मीडियम कर लेता हूँ। तो गाइज, मुझे शेडो भी नहीं चाहिए। यहाँ पे गाइज आपको जो मर्ज़ी करना है वो मर्ज़ी आप कर सकते हो, लेकिन जो जो गाइज मैं कर रहा हूँ वो आपको करना ज़रूरी है। और गाइज, यहाँ पे ये सेव कंट्रोल को अनेबल करेंगे हम, ताकि हमारे जो कंट्रोल है वो सेव रहे। और गाइज, इसको मैं करूँगा एक्सेप्ट। अब गाइज देखिए, आपके फ़ोन में भी क्या पता यही जो परमिशन है वो मांगेगा या फिर गाइज आपके नहीं मांगेगा। तो गाइज़, मेरे फ़ोन में मांग रहा है, तभी मैंने गाइज आपको बताया था कि हम इसे स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। तो गाइज़, हम इसको ओके करेंगे। और गाइज़, ये जैसे ही खुलता है तो आपको यूज़ दिस फोल्डर पे क्लिक करना है। और गाइज़, हमें अलो कर देना है। अब गाइज़, ये आपसे ऐसी परमिशन नहीं मांगेगा, क्योंकि अब आप कर चुके हो। अब गाइज़, मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा। अब यहाँ गाइज़ एक और ऐड चलने लग जाता है। अब गाइज, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको रन गेम पे क्लिक करना है। और गाइज, मैं यहाँ पे रन गेम करता हूँ। अब गाइज, जब ये खोलेगा ना तो भाई 100% गारंटी है आपका, ये बिल्कुल HD ग्राफिक्स दे देगा। HD ग्राफिक्स नहीं, मतलब रेजोल्यूशन आपका ठीक कर देगा, क्योंकि जैसे मैंने लगाया है वैसे ही होगा। और यहाँ पे गाइज हमारी गेम खुल चुकी है, मैं दिखा देता हूँ आपको प्रूफ के साथ, जैसे कि मैंने बताया था।
गाइस देखिए टाइम देखते हैं, 3:55 ही हो रहे हैं अभी भी। और गाइस अगर हम सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ देखिए गाइस, बूम, मेरे भाई सब एकदम एक्सट्रीम पे पहुँच चुके हैं फ्रेम रेट। और गाइस जो मेरा ग्राफिक्स था वो बैलेंस तक है, लेकिन मुझे स्मूथ करना है गाइस। और भाई आप देख ही सकते हो यहाँ से पहले से कितनी अच्छी क्वालिटी हो गई है भाई। पहले थोड़ा धुंधला धुंधला सा आता था, रेंडर होता था, और अब गाइस आप देख ही सकते हो भाई सब बहुत अच्छी क्वालिटी है। लेकिन गाइस इस ऐप की शर्त सिर्फ एक ही है कि गाइस अगर आप इसे चलाना चाहते हो तो गाइस आपको ऐप में जाके रन गेम करना पड़ेगा। लेकिन जब आप कन्फिग लगाते हो तो गाइस इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें आप सिंपली कर सकते हो। तो गाइस मैंने कन्फिग की वीडियो भी डाल रखी है, आप चाहे तो मेरे चैनल पर चेक कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस जैसे कि आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो गाइस मेरी वीडियो को लाइक करना भाई, चैनल सब्सक्राइब करना। और गाइस हर 2 दिन में मैं वीडियोज़ लाता रहता हूँ, आपको पता ही है। सो गाइस चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। गाइस गुड बाय एंड टेक केयर।